इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 23 दिन से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। इस बीच बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और ठग कहा, जिसने यूक्रेन के लोगों के खिलाफ अनैतिक युद्ध छोड़ा हुआ है। Standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. रूस ने मिसाइलों से हमला करके खार्किव के एक पूरे मार्केट को नेस्त नाबूद कर दिया। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर 22 दिन से रूसी सेना लगातार बम बरसा रही है और इस बार उसके बमों ने शहर के एक बड़े मार्केट को निशाना बना लिया। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई। जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। इस बीच वहां से लगातार धमाकों की आवाजें भी आती रहीं, जिसके बाद हमले का वीडियो बना रहा आदमी डर कर वहां से दूर हट गया, लेकिन कई दूसरे लोग दूर खड़े होकर जलते हुए मार्केट को देखते रहे। बताया गया कि रूस के इस हमले ने उस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और ऐसे ही हालात खार्किव के मिरेफा इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से भारी बमबारी की गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। हमले का ये वीडियो वहां की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हमले से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां तेज आवाज के साथ एक मिसाइल गिर गई। मिसाइल के गिरते ही वहां आग का एक गोला उठता नजर आया, जबकि तेज धमाके की वजह से कई गाड़ियों के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मुताबिक मिरेफा इलाके में हुए इस हमले में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गईं, जबकि एक स्कूल तो रूस की बमबारी में पूरी तरह गायब हो गया। जिस जगह कभी स्कूल हुआ करता था, वो जगह मिसाइल हमले के बाद एक समतल मैदान में बदल गई। वहां बस टूटी हुई लकड़ियां, राख और पत्थरों के टुकड़े ही दिखाई दिए। कीव पर रूस के हवाई हमलों में तेजी आ गई, जिसके बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना अब उसके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि रूस की ओर से दागा गया रॉकेट वहां के एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक बहुमंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की कई मंजिलें आग की लपटों में घिर गईं, जिसके बाद राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंची और इमारत में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि दरवाजे अंदर से बंद होने की वजह से लोगों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और मशीनों की मदद से उन दरवाजों को काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हमले से भड़के कीव के मेयर ने रूस के उन दावों पर सवाल उठा दिए, जिनमें सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि इमारत में फंसे 30 लोगों को बचा लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। रूस के कीव पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं। कीव से हमले की